गरियाबंद जिला में कुल 573 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें राजिम विधानसभा में 274 और बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में 299 मतदान केंद्र है। वहीं कुल मतदाता की बात करें तो जिला में 4,54,559 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 2,28,132, महिला मतदाता 2,26,427 है, जिसमें से राजिम विधानसभा में 2,28,132 और बिंद्रानवगढ़ में 2,26,427 मतदाता हैं। बात करें बिंद्रानवगढ़ की तो यहां मुख्य भिड़ंत कांग्रेस और भाजपा के बीच देखा जा रहा है। वहीं राज्य विधानसभा में भी भाजपा और कांग्रेस का टक्कर माना जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु 2700 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए 40 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी व पुलिस बल को भी भारी रूप में व्यवस्था किया गया है। विशेषकर 9 नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां सुबह 7 से 3 बजे तक ही मतदान हुआ। वहां की तैयारी को लेकर व्यापक रणनीति और व्यवस्था बनाई गई थी। इसमें आमामोरा, ओड़, साहेबिन कछार, बड़े गोबरा, गवर गांव, कामर, भौदी, गरीबा, कोदोमाली और नागिस शामिल है, जिसे अति संवेदनशील माना जा रहा है। वहीं प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 10 संगवारी मतदाता केंद्र, 10 युवा मतदान केंद्र, 5 मॉडल संगवारी मतदाता केंद्र और 1 दिव्यांग हेतु चिन्हित की गई है। दोनों विधानसभा में 63 सेक्टर बनाए गए हैं, जो राजिम में 26 और बिंद्रानगर में 37 शामिल है। मतदान करके आ गए? जी सर। आप अपने जो नए प्रत्याशी है या नया सरकार से क्या आशा रखते हो? मैं अपने नवा प्रत्याशी नवा सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे अस्पताल है और शासकीय भवन है और महिलाओं के लिए रोजगार मिले, नवयक को रोजगार मिले और जो सरकार बनेगा नया उससे मैं ये उम्मीद रखता हूँ किसान के हित में काम करे और जो गरीब मतदाता है उन लोगों को काम दे, इसी उम्मीद रखता हूँ नवा सरकार के लिए। जी आप इस वर्ष पहले बार वोट डाले? जी हाँ। नए मतदाता हैं? यस। आप पहली बार वोट डाले, आपको कैसे लगा? मैं बहुत खुश थी पहली बार वोट करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो विधायक बनेंगे वो हमारे युवाओं के लिए काम करे, शिक्षा स्वास्थ्य सब ये क्षेत्र के लिए काम करे, हमारा विकास करे हमारे क्षेत्र का और युवाओं को रोजगार दे। मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि हम जिनको वोट देंगे वो जीतेंगे, जो वो हमारे युवाओं के लिए कार्य करें।